गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर आज है 25 दिसंबर और आज है क्रिसमस। जीजस का आज दिन है 25 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 24 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, आज वैसे भी जीजस का दिन है तो मतलब लोगों के लाइक उसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, वैसे तो कह नहीं सकते। एनर्जी ट्रांजेक्शन में किसमें? ग्रीन ऊर्जा, सॉरी 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 सॉरी, एनर्जी ट्रांजेक्शन। एनर्जी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? एनर्जी ट्रांजेक्शन में भारत की पहली बार, भारत की इतिहास में पहली बार क्या हुआ? भारतीय कंपनी कौन सी? ग्रीन को ग्रुप, ग्रीन को ग्रुप एनर्जी, ग्रीन को ग्रुप एनर्जी। इंटेलिजेंस, एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन में क्या हुआ? एनर्जी ट्रांजेक्शन में ग्रीन को ग्रुप मतलब ग्रीन को जो कंपनी है वो एनर्जी कौन सी? एनर्जी एनर्जी स्टेलेंस में स्टेलिजेंस एनर्जी स्टेलिजेंस में क्या हुआ? ये टॉप 100 में आई है। किसमें? टॉप 100 में ये शामिल है। ठीक है, कौन सी? ग्रीन को ग्रुप कंपनी जो कि भारतीय की कंपनी है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की पहली बार इतिहास में एनर्जी इंस्टॉलेशन इंटीलीजेशन टॉप 100 में इस कंपनी को रखा गया है। ठीक है, और जो कि भारत के इतिहास में यह है कि पहली बार है। ठीक है, इस कंपनी के बारे में, यह है ग्रीन को कंपनी। सीट्स टॉप सीट्स किसमें? 10 में शामिल है। सीट्स 10 में शामिल है जो कि भारत की पहली कंपनी है। ठीक है, और यह है 7.3 मेगावाट, 7.3 गीगावाट, सॉरी गीगावाट के परिचालन पोर्टफोलियो के साथ यह भारत का सबसे बड़ा सबसे यह भारत की सबसे मतलब 3 7.3 गीगावाट के साथ यह भारत की सबसे बड़ी किसकी? इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट होगा, सॉरी बिगेस्ट कंपनी है, बिगेस्ट क्रियाशील। स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो पोर्टफोलिया है। ठीक है, क्या ये भारत की शीर्ष कंपनी है जिसमें 7.3 गीगावाट की मतलब इसमें बिजली उत्पादी जो कि इंडिया की बिगेस्ट क्रियाशील स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलिया है। ठीक है, यह भारत की कंपनी है जो कि टॉप 10 में आई है। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने 10 मिलियन की मदद दी। ठीक है, 10 मिलियन की मदद दी। कितनी? 10 मिलियन डॉलर की
मदद दी, किसको दी? यूएन, यूएन खाद्य एजेंसी। यूएन खाद्य एजेंसी को 10 मिलियन की किसने, अमेरिका ने मदद दी, ठीक है, और यूएन एजेंसी का समर्थन और समर्थन किया, ठीक है, और समर्थन मतलब 10 मिलियन देकर इसने यूएन एजेंसी खाद्य एजेंसी का इसने क्या किया, अमेरिका ने समर्थन किया इसका, क्यों किया? क्योंकि मानव, पशु और अन्य चुनौतियों, अन्य चुनौती क्या किया इसने, अमेरिका ने मानव, पशु, अन्य चुनौतियों, खतरों से निपटने के लिए, कोविड जैसे खतरों से निपटने के लिए अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर की यूएन खाद्य एजेंसी को समर्थन किया और इसको मदद दी, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, अमेरिका का जो मदद 10 मिलियन देने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एजेंसी द्वारा, एजेंसी के कोविड 19 के रिस्पॉन्ड एंड रिकवरी प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, इसका उद्देश्य है कोविड 19 में रिस्पॉन्ड एंड रिकवरी प्रोग्राम के तहत इसने 10 मिलियन की खाद्य एजेंसी को, यूएन खाद्य एजेंसी को मदद की, और इसका एक और उद्देश्य है, यह अमेरिका कौन, अमेरिका क्या है, अमेरिका व्यापक रूप से किसका, वन हेल्थ प्रोग्राम का सदस्य है, किसका, वन हेल्थ प्रोग्राम का क्या क्या है, हिस्सा है, कौन है, अमेरिका वन हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है, इसके तहत भी इसने मदद की, अगर क्योंकि ये मदद नहीं करता तो और लोग भी और देश भी आगे नहीं आएंगे मदद करने के लिए, ठीक है, किसी भी देश की मदद करने के लिए नहीं आएंगे, कोविड 19 के दौरान इसने इन लोगों को खाद्य, मतलब अगर अब आगे चल के अगर जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया तो इनको खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। उड़ीसा के सीएम, उड़ीसा के सीएम कौन, नवीन पटनायक द्वारा, नवीन उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा जो कि जो पेपर बांटने वाले होते हैं जिनको कहा जाता है हॉकर, हॉकरों को क्या किया इन्होंने, इन्होंने 6000 रुपये की धनराशि दी, कितनी, 6000 रुपये की धनराशि दी सभी के बैंक खातों में, ठीक है, जो कि पंजीकृत हॉकरों को इन्होंने 6000 रुपये की धनराशि दी, किनको, पंजीकृत, प्रत्येक पंजीकृत, प्रत्येक पंजीकृत हॉकरों को इन्होंने 6000 रुपये की धनराशि दी, और कोविड के द्वारा या किसी सड़क दुर्घटना के द्वारा मृत्यु होने पर किसी भी घटना के द्वारा इनकी मृत्यु होने पर इनको 2,00,000 रुपए की आर्थिक मदद इनके घर परिवार को दी जाएगी, ठीक है। अभी तक कितने हॉकरों को देखा गया, 7300 हॉकरों का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, हॉकरों का रजिस्ट्रेशन जिनको सरकार 6000 रुपये प्रत्येक पंजीकृत पर देगी, मतलब एक सदस्य को 6000 रुपये देगी उसके सीधे बैंक अकाउंट में, ठीक है, और उनकी मृत्यु किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उनको आर्थिक रूप से 2,00,000 रुपये की सहायता की जाएगी, ठीक है, और यह राज्य सरकार, यह राज्य अपने राज्य स्वयं से देगी, स्वयं केंद्र सरकार द्वारा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, राज्य अपने राज्य स्वयं से देगी। दो हजार चौबीस तक एनर्जी एफिशिएंसी,
2024 तक एनर्जी एफिशिएंसी सर्सेज सर्विस लिमिटेड द्वारा 2024 तक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा ये क्या करेंगे, ये देश में 1.3 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये क्या करेंगे 2024 तक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। ठीक है, जो कि पूरे भारत में लगाई जाएंगी। ठीक है, पूरे भारत में लगाई जाएंगे इन स्ट्रीट लाइटों को किसके तहत, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग किसके तहत की जाएगी, नेशनल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम के तहत, जो कि किस में आता है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के तहत इन स्ट्रीट लाइटों को लगाया जाएगा। ठीक है, पूरे देश में। अब और 2024 तक कितनी स्ट्रीट लाइट होगा, 1.6 करोड़। ठीक है, मतलब 1.60 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को पूरे देश में लगाया जाओगे, जो कि स्मार्ट रूप से एलईडी द्वारा क्या एलईडी पे कार्यरत रहेंगे। ठीक है, INS खुराक INS खुरकी जो कि 23 अगस्त 1989 द्वारा किस कंपनी द्वारा, मांझगांव डॉक, मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मांझगांव डिक शिप बिल्डर्स द्वारा, जो कि INS खुरकी जो कि 23 अगस्त 1989 में बनाया गया था, उसको क्या करेंगे, उसको क्या किया इन्होंने 32 साल बाद क्या कर दिया इन्होंने, रिटायर कर दिया। कितनी तारीख को, 24 दिसंबर को, 32 साल बाद इसको 24 दिसंबर को इसको रिटायर कर दिया गया। ठीक है, 24 दिसंबर को इसको विशाखापट्टनम में कहाँ किया, सेवा मुक्त कर दिया गया, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम में इसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। ठीक है, यह पहला स्वदेशी निर्मित मिसाइल वाहक है, स्वदेशी निर्मित मिसाइल वाहक है ये। ठीक है, वाहक जहाज जो कि स्वदेशी निर्मित मिसाइल वाहक जहाज है, जो कि 32 साल बाद रिटायर कर दिया गया। ठीक है, और यह किसके तहत बनाया गया था, यह गया था मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के तहत इसको बनाया गया था, इसको कितने, 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। इसमें 28 कमांडर कमांडिंग अधिकारियों द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, मतलब इसको लीड किया गया, इसको 6,44,897 समुद्री मील, ठीक है, इसका सफ़र किया गया, कितना, 6,44,897 समुद्री मील द्वारा इसको सफ़र किया गया, कितने, 28 कमांडरों अधिकारियों द्वारा। ठीक है, भारत और यूरोपी यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा
क्या किया, भारत ने यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा 250 मिलियन, ठीक है, कितना, 250 मिलियन, 250 मिलियन यूरो का क्या किया इन्होंने, लोन लिया, ठीक है, 250 मिलियन यूरो का इन्होंने क्या किया, लोन लिया, किस लिए लिया, आगरा, आगरा मेट्रो परियोजना के तहत, ठीक है, आगरा मेट्रो परियोजना के तहत यह कौन सी पहली किस्त है, यह पहली पहली किस्त के रूप में इसको लिया गया, कितना, 250 मिलियन यूरो को लिया गया, ठीक है, 250 मिलियन यूरो को क्या किया गया, इनको, इनके द्वारा लिया गया, ठीक है, और यह, और यह, और इसको मंजूरी दी, ठीक है, 2020 में मेट्रो परियोजना के लिए कितने, इस परियोजना के लिए, इस परियोजना के लिए ईबीआई द्वारा, ईबीआई द्वारा मेट्रो परियोजना के लिए दिसंबर 2020 में कितनी, 450 मिलियन यूरो, क्या किया गया था, समझौता किया गया था, जिसके तहत इन्होंने 250 मिलियन की पहली किस्त भेज दी है, इस आगरा परियोजना के तहत कौन कौन सी जगह दिखाई जाएंगी, आगरा का किला, आगरा का किला, ताजमहल, सिकंदरा एक्सेट्रा, मतलब सिकंदरा जैसे एक्सेट्रा चीज़ों को दिखाया जाएगा, ठीक है, किसके तहत, इस आगरा मेट्रो परियोजना के तहत, ठीक है, यह आगरा मेट्रो परियोजना की है पहली 250 मिलियन की पहली किस्त थी, दूसरी किस्त में यह 200 मिलियन भी भेज देंगे, ठीक है, चौबीस दिसंबर को क्या मनाएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, ठीक है, कितनी तारीख को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था या विषय वस्तु क्या थी इसकी, विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, ठीक है, और किस अधिनियम के तहत किया गया, इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, किसके, उपभोक्ता अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम, अधिनियम के तहत इसको कब लागू किया गया, इसको उपभोक्ता अधिनियम के तहत 1986 के 86 में, उपभोक्ता अधिनियम के तहत इसको 1986 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है, और यह इसका उद्देश्य क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा, ठीक है, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारे के लिए बहुत से अभियान किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा, ठीक है, भारत प्लस जर्मन बैंक, भारत और जर्मन बैंक द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, भारत और जर्मन बैंक, जर्मन विकास बैंक द्वारा, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, एमपी में ऊर्जा सुधार के लिए, किसमें, एमपी जिले में, एमपी में ऊर्जा सुधार के लिए, ठीक है, एमपी में ऊर्जा सुधार के लिए क्या किया गया, 140 मिलियन का 140 मिलियन का यूरो कम ब्याज का क्या लेगा, लोन देगा, ठीक है, ऋण समझौता देगा, और 2 मिलियन का अनुदान, इस पर कोई ब्याज नहीं लेगा, ठीक है, मतलब इसको 2 मिलियन को इसने ऐसे ही दे दिया, ठीक है, और 140 मिलियन यूरो का
कम ब्याज पर क्या देगा ये, भारत को पैसा देगा, जो एमपी के ऊर्जा सुधार योजना में के तहत होगा। इस योजना एमपी के ऊर्जा एमपी में ऊर्जा सुधार योजना के तहत क्या आएगा, इस एमपी ऊर्जा सुधार योजना के तहत नंबर एक स्मार्ट मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा स्मार्ट मीटर, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि गैर कृषि कौन सा कृषि और गैर कृषि फीडरों के लिए, कौन सा कृषि वाह गैर कृषि, ऊर्जा फीडर, ऊर्जा फीडरों के लिए यह आएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट पॉइंट था, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी ऐड हो सकें उनको ऐड करें, क्योंकि इसके बाद लूसेंट लूसेंट की कक्षा होगी, ठीक है। लूसेंट के बाद लूसेंट, क्योंकि 1 जनवरी से लूसेंट को लगाया जाएगा, ठीक है। लूसेंट की क्लास लगाई जाएगी, किसकी, लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट पूरी होगी कितनी, 1 जनवरी से लूसेंट की क्लास होगी, जो कि 1 जनवरी से पूरी होगी। इसमें आपको 1 घंटे की क्लास दी जाएगी, जो कि शाम को, ठीक है, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे ओपन होगी ये क्लास, और आपको वीडियो एक के बाद एक पूरी लूसेंट कराई जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करेंगे तो आपको लूसेंट बढ़िया समझ में आएगी, ठीक है।